पंजाब के मुख्यमंत्री और अन्य पंजाब लोकल बॉडीज मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मोत, तीसरे पंजाब पार्षद उनके निर्वाचन क्षेत्र नाभा में पिछले तीन दिनों के बाद पिछले तीन महीनों से कोई वेतन नहीं मिला। ये हड़ताल तालाबंदी में हो रही है और कोसला समुदाय के कार्यकर्ता नाभा पटियाला राजमार्ग को बंद करने और पंजाब सरकार के खिलाफ पैदा नहीं होने के लिए एकत्र हुए हैं। धनकरिया ने कहा कि नगर परिषद में एक कार्यात्मक अधिकारी नहीं होने के कारण हमें कोई वेतन नहीं मिल रहा है और नगर पालिका परिषद में लाखों रुपए के घोटाले भी हैं। इसके साथ ही आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। नाभा की ए क्लास कमेटी को 5 महीने में 5 कर्मचारी मिले हैं और सरकारी कर्मचारी को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। यद्यपि पटियाला जिले के स्थानीय सरकार के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा हैं, लेकिन कर्मचारियों के वेतन नहीं मिलने से कांग्रेस सरकार के मुंह में एक तमाचा है। फिर भी अगर सरकार के बावजूद राज्य में नाभा की नगर पालिका परिषद है तो भगवान है। पिछले तीन दिनों से नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल के कारण सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने हमारा वेतन जारी नहीं किया तो हम आने वाले समय में शहर की सफाई बंद कर देंगे। लेकिन नाभा नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। पिछले तीन महीनों में ये बहुत ही गंभीर मामला था कि पहले कार्य अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतावनी दी थी, बिल डालने के लिए प्रेस पर नहीं आ पाऊंगा। इसके कारण करीब 3 माह से ट्रैफिक अधिकारी का कार्यालय नहीं आ रहा है, जिसके कारण नगर परिषद के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि वेद प्रकाश काली और राम प्रकाश इस अवसर पर नगर परिषद के सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि ये बड़े सम्मान की बात है कि भाई गहन सिंह शहर और जिला मंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री और शहर में गंदे हो गए हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। नाभा नगर परिषद में लाखों के घोटाले हैं और नगर परिषद के पदाधिकारी अपने कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हमें वेतन नहीं मिल पा रहा है। नाभा से एसके शर्मा की रिपोर्ट। भी सानू ता नाभा शहर एक महाराज हीरा सिंह दी नगरी है, भाई कान सिंह दी नगरी है, जेड़ी के हिंदुस्तान दे पन्नियां ते लिखिया होया है नाभे शहर का नौ सत्कार ना लिता जाता है। पर इत्थे दी बड़ी बेशर्मी नाल सानू तां गैरत आ रही है गल कहण वेले भी जिथे नाभे का शान ना नौ लिता जाता अज नाभे की नगरी नू नरक बनाता है ना लोगों ने। नरक की 3 महीने हो गए पक्कियां नू तनखा नहीं मिली, 2400 रुपये नू 5-5 महीने हो गए तनखा नहीं मिली हजे तक। शर्म वाली गल आ जिहड़ा कि तुहानू पता भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दीआं रूलिंगां ने डीसी रेट तो घट किसी नू तनखा नहीं दित्ती जांदी। असी इक लोगां दा मैला ढोने आ, मैला ढोण वाले असी लोग 2400 रुपये बच्चे ढोने आ, उह वी तनखा नहीं दिंदे। लखां रुपए का कपड़ा उरे इहो क्यों नहीं आंदा सानू नहीं पता क्यों नहीं आंदा, की कारण आ? उहनां नू असी पुछिआ कि इहो साहब तुसीं आओ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਭਰਾ ਲਓ। ਵੀ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ, ਨਾਭੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਭੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਆ? ਅਗਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੜਤਾਲ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰਤ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਈ ਦੇ ਤਈ ਐਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਭੁਗਤਾ ਜੀ
पिछले ढाई महीने तो यो नब च हाजिर है पर आया एक दिन नहीं, इस करके मुलाजमान नूं जुर्माने पै रहे ने, जिन्हें हाउस लोन लाए हुए उन्होंने जुर्माना पै गया, जिहड़े साडे इनकम टैक्स के फार्म ने वो भी जुर्माना पऊगा क्योंकि तरीक लंघ चुकी, जिहड़े बिजली के बिल ने गवर्नमेंट के साडे नगर कौंसल सरकारी उन्होंने 70,000 रुपया जुर्माना पै गया, वो सारी जिम्मेवारी ईओ की बनती है। पिछले ढाई महीने तो किसी भी मुलाजम तनखा नहीं मिली, ना कच्चे ना पक्के, ना ईओ इत्थे आउंदा ना कोई नवा लाउंदे ने, इस करके सानूं इह जिहड़ी कलम सोल हड़ताल है वो करनी पई। पता नहीं इन्हां नूं कोई मिली भुगत है सरकार दी नाल नहीं, तो एक मिनट का काम है एडिशनल चार्ज दे के सारा काम यह सीधा कर सकते हैं, पर जान बुझ के ना कोई जिन्हें हुण साडे एमसी साहिबान ने 23 दे 23 उन्होंने भी आके मुलाजमान दे नाल कोई दुख सांझा नहीं किया भी यह क्यों पिटदे ने, अज तीजा दिन है कोई नहीं आया जी। हाँ जी असीं उन्होंने व्हाट्सएप भी भेजता सारा कुछ लिखती भी भेजता, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, प्रधान जी आए नहीं जी, असीं घरें थोड़ी जाना, वो आए नहीं है असीं दस दे पुछन सानू आके। हाँ जी परसों भी किया जी, परसों गेट रैली की जी, कल हाँ जी कल बंद रहा सारा, अज भी बंद है पर कोई नहीं आया।